दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आज की वीडियो में मैं आ गया हूँ। अब बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं आपको अच्छी खबर बता देता हूँ कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में इंडिया की टीम रिसेंटली जीत चुकी है, जिसके अंदर यहाँ पर जसप्रीत बुमराह हमें यहाँ पर मैन ऑफ द मैच देखने को मिले थे। 191 का टारगेट यहाँ पर नहीं था, 192 का टारगेट था जो कि इंडिया ने चेस कर लिया, 7 विकेट से मुकाबला जीत लिया। खुशखबरी यह है कि आज श्रेयस अय्यर हमें लंबे टाइम बाद फॉर्म के अंदर नजर आया। अब लंबा टाइम उनकी इंजरी और उन सबको लेकर हो गया है टाइम पीरियड में, बाकी मैचों में तो वो ऑलरेडी फॉर्म में थे। तो 53 रन उन्होंने बनाए हैं 62 गेंदों के अंदर, 3 चौके और 2 छक्के उन्होंने लगाए थे। सो ये हो गए स्टेट्स। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर तरीके से हमारी आज की वीडियो के ऊपर। सो आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि अभी क्रेज चल रहा है वर्ल्ड कप का, बट आप सभी को ये नहीं भूलना चाहिए कि वर्ल्ड कप यहाँ पर सिर्फ कॉम्पिटिशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, पैसों के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। यहाँ पर केवल और केवल इंडियन पैसा लीग यानी इंडियन प्रीमियर लीग। तो अभी सबका ध्यान भले ही वर्ल्ड कप के ऊपर हो, बट वर्ल्ड कप जैसे ही फिनिश होगा बहुत सारी तैयारियाँ, बहुत सारी आबड़ ताबड़ यहाँ पर लग जाएगी आईपीएल के मिनी ऑक्शन पर, फिर ट्रेड विंडो के ऊपर, फिर यहाँ पर खुद आईपीएल के सीजन के ऊपर। तो ऐसे के अंदर जो 3 P है ना, यानी PPP, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या होते हैं ये 3 P, आइए समझ जाते हैं। सो आईपीएल हो या फिर ऑक्शन हो या फिर आप किसी भी बड़े स्पोर्ट्स के अंदर देख लोगे तो आपको बहुत ही आसानी से 2 P देखने को मिल जाएंगे 3rd P को डोमिनेट करते हुए। अब ये 2 P होते हैं, एक तो पैसा, एक होती है पॉलिटिक्स, और जो 3rd P होता है वो है प्लेयर। यानी पैसा और पॉलिटिक्स एक प्लेयर को डोमिनेट करते हैं, या तो उसका करियर बना सकते हैं या बर्बाद कर सकते हैं, और ऐसा ही हमें आने वाले टाइम में नीतीश राणा के साथ देखने को मिल सकता है। सबसे पहले र्यूमर्स निकल कर आए थे कि नीतीश राणा यहाँ पर KL राहुल से LSG के अंदर और KKR के अंदर एक स्वैपिंग होने वाली है ट्रेड विंडो की, जिसके लिए मैंने आप सभी को मना कर दिया था। अभी उसके पर कोई लीक्स निकल कर नहीं आ रहे हैं, बट अभी लेटेस्ट लीक्स की माने तो टीम KKR यहां पर एक तो चेन्नई और एक किंग्स 11 पंजाब के किसी प्लेयर के साथ बातचीत कर रही है। अब ये बातचीत हो रही है ट्रेड को लेकर ही, और ट्रेड यहां पर फ्रेशली अगर होता है टीम KKR में से तो कोई होने वाला है, वो है नीतीश राणा। अब किस प्लेयर के बदले होंगे या फिर नीतीश राणा होंगे भी या नहीं होंगे, या सिर्फ एक फेक नाम यहां पर मैनेजमेंट की तरफ से निकाला गया है KKR के गिरते हुए फैन फॉलोइंग को उठाने के लिए, देखते हैं यार। आप कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या आपको लगता है चेन्नई या पंजाब में से कोई एक प्लेयर टीम KKR में आ सकता है, और आएगा तो वो कौन हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।